कराची स्कूल के एक प्रिंसिपल ने कैसे 14 साल की 20 लड़कियों को हमला किया और कैसे, वजह जानकर आपके सर पर कयामत टूट जाएगी। घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी और मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी। स्कूल तो 7:20 पर लगता था, मगर मेरे घर से स्कूल का रास्ता ही 25 मिनट का था। क्योंकि मैं अकेली ही पैदल जाती थी, मैंने जल्दी से बस्ता टंगाया और घर से निकल पड़ी। मैं नवीं जमात में थी और छुट्टी का तो तसव्वुर भी नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिकल चल रहे थे और मेरा शुमार उन लड़कियों में होता है जिन्हें तालीम हासिल करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को पहले ही कोई अहमियत नहीं, और फिर लड़कियों का तालीम हासिल करना तो कुछ ज़्यादा ही बुरा समझा जाता है। ऐसे में मैंने बड़ी मुश्किल से स्कूल में दाखिला लिया था। अगर मेरी माँ मेरा साथ ना देती तो अब्बा तो कब का मुझे घर बिठा चुका होता। इसलिए मेरी हमेशा से यही कोशिश रही थी कि मैं बेहतरीन नंबर लेकर कामयाब हूँ, ताकि अब्बा कभी मेरी पढ़ाई छुड़वाने के लिए ना कह सके। लेकिन कभी कभी किस्मत ऐसा खेल खेल जाती है कि इंसान ना चाहते हुए भी अपनी ख्वाहिशों और अपने ख्वाबों से पीछे कदम हटा लेता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और मुझे खुद अपने ख्वाबों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग शैतान के पैरोकार बन चुके हैं और उनकी वजह से हम जैसे लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। तालीम जैसे शोबे को भी लोगों ने अपनी गलत नीयतों से नापाक बना दिया है। मेरे साथ भी एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रही। अम्मा को काला यरकान हो गया था और इसकी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। जब ही घर की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई थी और छोटे बहन भाइयों को स्कूल भेजकर घर से निकलने में आज मुझे काफ़ी देर हो गई थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी और तेज़ तेज़ कदम उठा रही थी, क्योंकि हमारे स्कूल में ज़रा सी भी देरी हो जाती तो प्रिंसिपल साहब बहुत सख्त सजा देते, अपने दफ्तर में ले जाते और आधा आधा घंटा वहीं बिठा कर रखते। मुझे तो उनके नाम से ही खौफ आता था। 4 दिन पहले की बात है कि मेरी क्लास फेलो रशीदा को भी स्कूल पहुंचने में देर हो गई थी। प्रिंसिपल साहब उसे सजा के तौर पर अपने कमरे में ले गए थे और आधा दिन उसे वहीं रखा था। जब आधे दिन बाद वो क्लास में वापस आई तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। वो मेरे साथ एक ही बेंच में बैठती थी। जैसे ही वो मेरे बराबर में आकर बैठी तो मैंने उससे आहिस्ता से पूछा कि प्रिंसिपल साहब ने क्या सजा दी है। उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो खामोशी से सर झुका गई। मैंने फिर उसे कौनी मारी और हल्के से पूछा, बताओ तो सही क्या हुआ है, आधा दिन तो तुम्हें उन्हें खड़ा रखा है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से 2 आंसू और गिर गए और वह कहने लगी कि नहीं, बड़ी मुश्किल सजा थी। इससे पहले कि मैं उसे पूछती कि क्या सजा मिली है, टीचर ने मुझे बात करते देख लिया। वो गुस्से में कहने लगी, शर्मीन अब अगर आपकी आवाज़ आई तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। और यह सुनकर मैं खामोशी से बैठ गई, लेकिन मेरा ध्यान बार बार रशीदा की तरफ जा रहा था। उसके हाथ कॉपी पर कपकपा रहे थे, उसका ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं था। उसने बमुश्किल बोर्ड से थोड़ा सा ही काम कॉपी किया था। टीचर की नज़रों की तपिश महसूस करते मैं रशीदा से बात नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था कि छुट्टी में उससे पूछूंगी कि प्रिंसिपल साहब ने क्या सज़ा दी है, क्योंकि अक्सर ही वो किसी न किसी लड़की को सज़ा के लिए ऑफिस ले जाते थे। लेकिन ये बात मुझे आज तक नहीं पता चल सकी थी कि वो क्या सज़ा देते हैं। लेकिन मुझे आज भी ये बात बताना चल सकी, क्योंकि छुट्टी होते ही सबसे पहले रशीदा स्कूल से निकल गई और फिर 2 दिन तक वो स्कूल ही नहीं आई। अम्मा की बीमारी की वजह से मैं भी ये बात भूल गई कि वो देर से आई थी और उसे सज़ा मिली थी। 3रे दिन वो स्कूल आई तो उसकी हालत काफ़ी बेहतर थी और मेरे पूछने पे उसने सरसरी सा बस यही जवाब दिया था कि प्रिंसिपल साहब ने बहुत सख्त सज़ा दी है और अब वो कभी लेट नहीं होगी। अलबत्त ये कहते हुए उसके चेहरे पर कर्क के आसार वाज़ हुए थे और मैं डर गई थी कि पता नहीं प्रिंसिपल साहब ऐसी क्या सज़ा देते हैं जो इस कदर खौफनाक होती है। मैं आज तक कभी स्कूल से लेट नहीं हुई थी, मुझे सज़ा के नाम से ही खौफ आता था। आज ये पहली ही दफ़ा था और वो भी इसलिए क्योंकि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और नाश्ता भी मुझे ही तैयार करना था, छोटे बहन भाइयों को भी स्कूल भेजना था। मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई थी लेकिन उसके बावजूद देर हो गई थी।
स्कूल से कुछ देर पहले ही मुझे वो लड़का नज़र आया जो पिछले कई दिनों से मुस्तकिल मुझे परेशान कर रहा था। उसे देखकर मेरे पसीने छूटने लगे। वो अजीब मुसीबत की तरह मेरे पीछे पड़ गया था। हमेशा रास्ते में आकर मुझे रोकने की कोशिश करता और बात करने का मौका ढूंढता। आज तो वैसे ही मुझे काफ़ी देर हो गई थी। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाने लगी और उसे नज़रअंदाज करती आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे चलने लगा और जैसे ही एक सुनसान सा मोड़ आया वो अचानक ही मेरे सामने आ गया और मेरे हाथ में एक कागज़ थमा दिया। कहने लगा, अब बात तो सुनती नहीं है, इसे पढ़ लीजिएगा, मैं जवाब का इंतज़ार करूँगा। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं रुककर उसे कुछ कहती या डांट देती। मैं चलती ही चली गई। वो कागज़ मेरी मुट्ठी में ही दबा हुआ था। मैं उसे फेंक भी नहीं सकी थी क्योंकि स्कूल का दरवाज़ा आ गया था। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हुई, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि दुआ ख़त्म हो चुकी थी। सब लोग अपनी क्लासों में चले गए थे और प्रिंसिपल साहब दरवाजे के पास ही खड़े थे। सज़ा का सोचकर मेरे पैरों से जान निकलने लगी थी। प्रिंसिपल साहब ने बहुत अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे, आपको स्कूल के वक्त का पता नहीं है जो इतनी देर कर दी है। मैं घबरा गई और खौफ के मारे मेरे मुंह से अल्फाज तक ना निकले। उन्होंने बहुत बुरी नज़रों से घूर कर मुझे देखा और अपने ऑफिस में चलने का इशारा किया। मैं मरे मरे कदम उठाती उनके पीछे चल पड़ी। बस मुझसे ये गलती हुई कि मैं उस कागज़ को अपनी मुट्ठी से फेंकना भूल गई। प्रिंसिपल साहब का खौफ इतना था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। उन्होंने अपने ऑफिस में बड़े महंगे सोफे पे मुझे बैठने का इशारा किया और ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे औसान खता होने लगे। मुझे यकीन था कि वो मुझे बहुत डांटेंगे या फिर कोई ऐसी सज़ा देंगे कि मैं आइंदा दोबारा लेट ना हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ वो उसके बिल्कुल बरक्स था जो मैंने सोचा था। वो मेरे साथ ही सोफे पर बैठ गए और बड़ी गहरी नज़रों से मेरा जायज़ा लेते हुए कहने लगे, क्या नाम है तुम्हारा, किस क्लास में हो। उनकी आवाज़ में काफ़ी नरमी आ गई थी और इसीलिए मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम शर्मीन है और मैं नवीं जमात में पढ़ती हूँ। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मुझे देर हो गई है। ये कहते हुए मैंने सर झुका लिया था। मुझे लग रहा था कि आज मुझे माफ़ी मिल जाएगी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि आइंदा मैं कभी देर से नहीं आऊँगी। प्रिंसिपल साहब ने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया और इससे पहले कि वो कुछ कहते वो कागज़ उनके हाथ लग गया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे सर पे आसमान गिरा दिया हो। मैं अपनी अकल को कोस रही थी, ये कागज़ तो मुझे कब का फेंक देना चाहिए था। मैं क्यों से मुट्ठी में दबाए प्रिंसिपल सर के ऑफिस तक चली आई थी। प्रिंसिपल साहब ने वो कागज़ खोला और उसे पढ़ने के बाद मेरा चेहरा पकड़ कर अपनी तरफ किया, मेरे करीब आए और कहने लगे, अच्छा तो इसीलिए तुम देर से आई हो। अपनी माँ की बीमारी का बहाना करते तुम्हें शर्म नहीं आई, अपने आशिक के साथ रंग रलियाँ मना रही थी। प्रिंसिपल साहब के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर मैं शर्म से पानी हो गई और रोते हुए कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो रास्ते में एक लड़की ने ज़बरदस्ती मुझे पकड़ा दिया था। मैं नहीं जानती वो कौन था और उसने मुझे ये क्यों दिया है। मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगे, अच्छा तुम्हें नहीं मालूम वो कौन था, फिर भी तुमने उसे कागज़ ले लिया और उसमें तुम्हारा नाम तक लिखा है और तुम उसे जानती भी नहीं हो, पता है उसमें क्या लिखा है। मैंने इनकार में सर हिलाया। मैंने तो वो कागज़ खोल कर भी नहीं देखा था और मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि उस लड़के को मेरा नाम पता है। प्रिंसिपल साहब ने वो कागज़ अपनी कोट की जेब में रखा और कहने लगे कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे माँ बाप को बुलवाता हूँ, वही तुमसे सवाल जवाब करेंगे। तुम उन्हें बताना कि तुम स्कूल देर से क्यों पहुंची और रास्ते में क्या करती आई हो। मुझे तो लगता है कि ये रोज़ाना का मामला है। प्रिंसिपल साहब ने जैसे ही मेरे माँ बाप को बुलवाने की बात की मेरे होश उड़ गए। मैं रोते हुए प्रिंसिपल साहब के आगे हाथ जोड़ कर कहने लगी, खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, मेरी अम्मा बीमार हैं और अब्बा मजदूरी करता है, वो तो शुरू से ही मेरी पढ़ाई के ख़िलाफ़ है। अगर उन्हें आप बुलवाएंगे तो ये सब बताएंगे तो वो मुझे दोबारा कभी स्कूल नहीं आने देगा, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, अच्छी बात है, तुम पढ़ना चाहती हो, मैं भी चाहता हूँ कि तुम रोज़ स्कूल आओ, अच्छे से पढ़ाई करो, फर्स्ट आओ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी बहुत मेहनत करनी होगी। ये तुम किन मामलों में पड़ गई हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम ऐसे लड़कों के साथ चक्कर चला रही हो।
मैंने सर झुका लिया और प्रिंसिपल साहब से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आइंदा एहतियात करूंगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे करीब आए, मेरे कंधे पे हाथ रख कर कहने लगे, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब अगर तुम अच्छे से पढ़ना चाहती हो और अपनी क्लास में जाकर पीरियड अटेंड लेना चाहती हो तो फिर तुम्हें छुट्टी में मेरे पास आना होगा। मैं ये ख़त तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर ही तुम अपने घर जाना। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई और उनसे कहा कि मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। मैंने अपना बस्ता उठाया और खुशी खुशी क्लास की तरफ दौड़ पड़ी। मुझे क्या मालूम था कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे छुट्टी के वक्त अपने दफ्तर में क्यों बुलाया है। सारा दिन प्रैक्टिकल्स मसरूफ़ गुजर गया और छुट्टी के वक्त जब मेरी सारी सहेलियाँ घरों के लिए निकलने लगी तो मैं बस्ता उठाए प्रिंसिपल साहब के दफ्तर के दरवाजे पर पहुँच गई। उन्होंने मुझे अंदर आकर बैठने का इशारा किया। मैं वापस सोफे पे बैठ गई। वो किसी काम में मसरूफ़ थे और धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। घड़ी दोपहर का 1:30 बजा रही थी। इस वक्त तक तो मुझे अपने घर पहुंच जाना चाहिए था। पूरा स्कूल भी खाली हो चुका था और कुछ देर पहले क्लर्क भी छुट्टी लेकर जा चुका था। मैंने परेशानी से प्रिंसिपल सर से कहा कि काफ़ी देर हो गई है, अम्मा इंतज़ार कर रही होगी, आप मुझे वो कागज़ दे दीजिए। प्रिंसिपल साहब ने फाइल बंद की, अपनी जगह से उठे, कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और मेरे पास आकर बैठ गए। कहने लगे, इतनी भी क्या जल्दी है, तुम सुबह भी तो स्कूल देर से आई थी, अब अगर घर में देर से पहुंचोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे तुमने मुझे अपनी माँ की बीमारी का बताया था वैसे ही अपनी माँ को प्रैक्टिकल का कह देना, तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत है, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। प्रिंसिपल साहब की बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। पता नहीं क्यों मेरी लाख सफाइयों के बावजूद भी वो मुझे ही गलत समझ रहे थे। मेरा झुका हुआ सर देख के प्रिंसिपल साहब कहने लगे, अगर आगे पढ़ना चाहती हो तो फिर वही कुछ करो जो मैं कहता हूँ, जब मुझे खुश करना होगा ताकि तुम्हारे हर प्रैक्टिकल में पूरे नंबर आए और तुम्हारी तालीम में कोई रुकावट ना आए। उनकी बात सुनकर मैं ना समझी से उनकी तरफ देखने लगी। मेरी उम्र 14 साल थी। मैं उनकी बातों का मतलब समझ तो पा रही थी लेकिन यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या वो मुझे वही कहना चाह रहे थे जो मैं समझ रही थी या फिर मेरी ही सोच गलत थी। प्रिंसिपल साहब ने मेरी नज़रों का मफहूम जान लिया और मुस्कुरा कर कहने लगे, तुम ठीक समझ रही हो, तुम्हारे जैसी खूबसूरत और पढ़ने वाली बच्चियाँ मुझे बहुत पसंद हैं और मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ कुछ वक्त गुजारोगी। और ये कहते हुए उन्होंने मेरे दुपट्टे को अपने हाथों में ले लिया। मुझे अचानक रशीदा की चेहरे की सर्दी याद आई थी। तो क्या प्रिंसिपल साहब ने उसके साथ भी ऐसा ही कुछ किया था? क्या हर वो लड़की जो देर से स्कूल पहुंचती थी या कोई गलती करती थी प्रिंसिपल साहब सज़ा के नाम पर उसके साथ ऐसा ही घटिया हरकतें करते थे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे प्रिंसिपल साहब से ऐसी किसी हरकत की कोई तवक्को नहीं थी, इसलिए मैं घबरा कर खड़ी हो गई और उनसे कहा कि बहुत देर हो गई है, मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी इज्जत और आबरू खतरे में नज़र आ रही थी। मेरे उठते ही वो भी एकदम खड़े हुए और मुझे गले से लगा लिया और ज़बरदस्ती मुझे अपनी बाहों में भींचते हुए कहने लगे, चली जाना रानी, मैं कौन सा तुम्हें यहाँ रोक कर रखूँगा, बस कुछ देर की तो बात है। और ये कहते हुए उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती सोफे पे धक्का दिया और मुझ पर वो कयामत ढाई कि जिसके बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। एक छोटे से कागज़ को लेकर उन्होंने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। काश कि मैं उस खत को लेकर इतनी खौफजदा ना होती और मेरे घर वालों को मुझ पर पूरा यकीन होता तो मैं कभी छुट्टी के बाद यहाँ ना आती। मगर मैं जानती थी कि अगर ऐसी कोई भी बात मेरे बाप के कानों तक पहुँची तो वो पहली फुर्सत में मेरी तालीम को खैर पात करवा देगा या शायद मुझे जिंदा दफन कर देगा, क्योंकि उसे तो मेरी पैदाइश वैसे ही बहुत बुरी लगती थी। 1 घंटे तक मैं प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में उनके आताब का शिकार रही। मेरा चीखना चिल्लाना हाथ पांव चलाना सब कुछ बेसुध था और पूरे 1 घंटे के बाद उन्होंने मुझे ये कहकर जाने की इजाज़त दी कि मैं इस बात का तस्करा किसी से ना करूं वरना वो ये ख़त मेरे घर वालों को पेश करके मुझे बदकिरदार साबित कर देंगे और अपने आप को बेगुनाह। वैसे भी मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि मैं उन्हें गुनहगार साबित कर पाती। मेरे हाथ पैरों से जान निकल चुकी थी।
मैंने बड़ी मुश्किल से अपना बिस्तर उठाया, अपने दुपट्टे को अपने इर्द गिर्द लपेटा और स्कूल से बाहर निकल आई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी की नज़र मुझ पर जमी हुई हो, हर कोई मेरे वजूद के आर पार देख सकता हो और मुझ पर गहरी गुजरी कयामत को जान सकता हो। मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंची तो अम्मा दरवाजे पे ही खड़ी थी, उनके चेहरे पे परेशानी थी। मुझे देखते ही गुस्से से कहने लगी, शर्मीन दोपहर के 2:30 बज गए हैं, स्कूल की छुट्टी हुए पूरा 1.5 घंटा हो गया है, तुम कहाँ रह गई थी? अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए स्कूल तक पहुँच जाती, लेकिन आज तो मेरी सुबह से ही हालत इतनी ख़राब है कि मुझसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है। मेरा दिल चाहा कि मैं अम्मा के गले लग जाऊं, फूट फूट के रो पड़ूं, लेकिन डर के मारे मैंने खुद पे काबू पाया और अम्मा से एक नया झूठ कह दिया कि स्कूल में प्रैक्टिकल की वजह से देर से छुट्टी हो रही है और इसीलिए मुझे देर हो गई है, आप परेशान ना हुआ करें। अम्मा गुस्से से कहने लगी कि अगर ऐसी बात थी तो सुबह ही बताकर जाना चाहिए था, अगर तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा बाप आ जाता तो पूरा घर सर पर उठा लेता, पता है ना उसे तुम्हारे स्कूल जाने से कितनी चिढ़ है, वो तो चाहता है तुम्हारी फुफ्फी के बेटे से कल ही तुम्हें रुख्सत कर दें और अपनी जान छुड़वा लें, ये तो मैं हूँ जो अपनी ज़िद से तुम्हें तालीम दिलवा रही हूँ। अम्मा की बात सुनकर मैं उनके गले लग गई और अम्मा से कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। खुद ब खुद मेरे आंसू बहने लगे थे और अम्मा एकदम परेशान हो गई। मेरे आंसू पहुँच कर कहने लगी, चल अब रोने की कोई बात नहीं है, तेरे अब्बा के आने से पहले कपड़े बदल कर खाना खा ले वरना नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अम्मा ये कहकर चारपाई पे जाकर लेट गई थी और मैंने खाली सी नज़र अपनी माँ पर डाली थी। अगर मेरी माँ को पता चलता कि मैं तालीम के नाम पर अपनी आबरू लुटवा कर आई हूँ तो शायद वो जीते जी मर जाती, और अब्बा तो ना सिर्फ मुझे दफन कर देता बल्कि अम्मा को भी तलाक दे देता, क्योंकि उसने तो अम्मा को पहले ही कह दिया था कि मुझे स्कूल भेज कर अम्मा हमारी इज्जत दाव पर लगा रही है। मैंने यूनिफॉर्म बदला और घर के कामों में मसरूफ़ हो गई, लेकिन जहन मेरा प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में ही कहीं भटक गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पढ़ा लिखा स्कूल का प्रिंसिपल इस कदर हैवान साबित होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अगले दिन स्कूल कैसे जाऊंगी। मैं एक हैवान की वजह से अपनी तालीम नहीं छोड़ना चाहती थी, बस इसीलिए अगले दिन भी मैं दिल पर पत्थर रख कर स्कूल चली गई। ये तो शुक्र हुआ कि सारा दिन प्रिंसिपल साहब से मेरा सामना नहीं हुआ, लेकिन छुट्टी के वक्त ये देखकर मेरी रूह कांप उठी कि मेरी ही क्लास की एक और लड़की फारिया प्रिंसिपल साहब के ऑफिस की तरफ जा रही थी। मैंने उसे आवाज़ देकर रोका और कहा कि वहाँ क्यों जा रही हूँ, छुट्टी हो गई है, चलो घर चलते हैं। मुझे देख कर वो मुस्कुराई, कहने लगी प्रिंसिपल साहब ने उसे बुलाया है, दरअसल वो फीस जमा नहीं करवा पाई है और वो उसकी फ़ीस कम करने की बात करेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे प्यारों तले से ज़मीन निकलने लगी। मैं जानती थी कि वो किस तरह फ़ीस कम करने की बात करेंगे। मैं नहीं चाहती थी कि फारिया के साथ भी वही कुछ हो जो मैं अपनी ज़ात पर झेल चुकी थी। फारिया बहुत ही मासूम सी लड़की थी। मैंने उसे कहा कि कल स्कूल टाइम में बात कर लेना, बल्कि प्रिंसिपल साहब के बजाय टीचर से बात करना तो ज़्यादा अच्छा होगा, फ़िलहाल मेरे साथ चलो। लेकिन वो ना मानी और कहने लगी, प्रिंसिपल साहब ने उससे वादा किया है कि वो उसकी फ़ीस आधी कर देंगे और इस तरह उसकी पढ़ाई नहीं छूटेगी। उसके अब्बा बेरोज़गार हो गए हैं और फीस अदा नहीं कर पा रहे हैं। मेरे रोकने के बावजूद भी वो चली गई थी और मैं उसे जाता देखती रह गई थी। मेरा एक एक कदम मन भर का हो गया था। मुझे फारिया का मासूम चेहरा याद आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं घर तक पहुंची थी। ये सब क्या हो रहा था और कब तक होना था मैं नहीं जानती थी। 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए थे। मैंने प्रिंसिपल साहब का सामना ही नहीं किया। फारिया के चेहरे का रंग मुझे बता गया था कि उस पर भी कयामत बीत चुकी है, लेकिन मैं उसे नज़रें चुरा गई थी। हम सबका दुख एक जैसा था, लेकिन कोई भी किसी को अपना दुख नहीं बता सकता था। पूरा हफ्ता गुजरने के बाद प्रिंसिपल साहब ने खुद मुझे अपने ऑफिस में बुलवाया और मजबूरन मुझे जाना पड़ा। वो मुझे देख के मुस्कुराए, कहने लगे, तुम तो मेरे ऑफिस का रुख भी नहीं करती हो, मेरे पास तुम्हारी CCTV फुटेज है जिसमें तुम और मैं एक साथ हैं, सोचो अगर वो तुम्हारे बाप के हाथों लग गई तो क्या होगा। मैंने बेयकीनी से उन्हें देखा तो वो मुस्कुराकर कहने लगे, बेहतर है कि खुद ही मेरे पास आ जाया करो, मुझे तुम्हें बुलवाना ना पड़े। एक दफा फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अपने जुल्म का निशाना बनाया और वापस भेज दिया।
एक महीने में तकरीबन 6 दफ़ा उन्होंने मेरे साथ यही ज़्यादती की थी और शायद बाकी लड़कियों के साथ भी। और फिर महीने बाद वो हुआ जिसका मुझे गुमान भी नहीं था। मेरी तबीयत बिगड़ी, अम्मा ने मोहल्ले की दाई को बुलवाया तो वो पता चला कि मैं तो उम्मीद से हूँ। ये सुनकर अम्मा के सर पे आसमान गिर पड़ा। अम्मा ने मुझे मारा, पीटा, पूछा कि बच्चा किसका है, तो मैंने उन्हें शुरू से आखिर तक सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर अम्मा ने सर पकड़ लिया था। अम्मा ने मुझे घर बिठा लिया और दोबारा स्कूल नहीं जाने दिया, और अब्बा के खौफ से ये बात भी छुपा ली कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है। वो खुद ही मेरे हमल को ज़ाया करवाने के तरीके करने लगी। एक गुना छुपता नहीं है, पता नहीं कैसे वो सारी वीडियोस वायरल हो गई जो स्कूल के CCTV कैमरास में रिकॉर्ड हुई थी। प्रिंसिपल साहब का सच खुद बहुत पूरी दुनिया के सामने आ गया था, और अच्छी बात ये हुई थी कि किसी भी लड़की का चेहरा वीडियो में नज़र नहीं आ रहा था। प्रिंसिपल साहब का मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गया था और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। अम्मा के टोटके काम आए थे और मेरा हमल ज़ाया हो गया था। मैं प्रिंसिपल साहब के ख़िलाफ़ बयान देना चाहती थी मगर अम्मा ने मुझे रोक दिया, और फिर दो और लड़कियों ने प्रिंसिपल साहब के ख़िलाफ़ अदालत में बयान दे दिया और उन्हें सज़ा हो गई। लेकिन मेरी तालीम अधूरी रह गई थी और मैं जानती थी कि अम्मा अब कभी मुझे स्कूल नहीं जाने देगी। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने ना सिर्फ 20 लड़कियों को हमला किया था बल्कि तकरीबन 45 के करीब लड़कियों और टीचरों की इज्जत के साथ खेल भी खेला था। प्रिंसिपल साहब तो पकड़े गए थे, लेकिन अभी हमारे माशरे में ऐसे बहुत से दरिंदे मौजूद हैं जो इसी तरह लड़कियों और औरतों की मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि हम जैसी औरतों को और हम जैसी लड़कियों को तालीम ना छोड़नी पड़े। अब तक भी ये खबर ज़रूर पहुंची होगी और आप लोगों ने भी यही सोचा होगा कि प्रिंसिपल ने कैसे इतनी लड़कियों को हमला कर दिया और किसी को खबर नहीं हुई। तो मेरी ये कहानी सुनकर आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया गया है। हम लड़कियां पहले ही अपने घरों से बहुत मजबूर होती हैं, बहुत सी अनदेखी रस्मों की जंजीरों में जकड़ी होती हैं, और फिर जब माशरे के ऐसे नासूरों से हमारा वास्ता पड़ता है तो हम कहीं की नहीं रहती हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या इस 21वीं सदी में भी हम लड़कियों को अपने हकूक के लिए दिन रात जंग का सामना करना होगा?